आ गया हूँ। राहुल जी खुद मान चुके हैं कि नहीं, लड़ाई नीतीश कुमार के द्वारा लड़ी जाएगी। अच्छा, हाँ, तभी जा करके बीजेपी का सफाया हो पाएगा। राहुल गांधी कहीं नहीं रहेंगे, अभी नहीं रहेंगे, इस इलेक्शन में रहेंगे, इसके बाद आएंगे वो, इसके बाद नहीं आ जाएंगे। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। मेरे यहाँ खुद जातीय जनगणना तो करने के लिए बिहार सरकार करवाई है, लेकिन मेरे यहाँ हम अभी घर पे कॉल करके आपको बोल दें, बात करा दें, तो जातीय जनगणना के मेरे यहाँ कोई आया ही नहीं जातीय जनगणना करे। यादव लोग को भाई उनका बढ़ा दिया गया, तेजस्वी द्वारा आंकड़ा बढ़ा दिया गया, मुस्लिम लोग का भी आंकड़ा बता, हमको सबसे बात हो ठीक है आप जनगणना कराएं, अब हिंदू का और मुस्लिम का, यादव अब जो मुस्लिम का तो आप यादव लोग का तो आप जनगणना में बढ़ा दिए हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव मुस्लिम का कहना है कि अब तेजस्वी यादव, आप नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री, आपसे हम ये अनुरोध था कि आप हिंदू को तो बांट दिए, मुस्लिम का भी तो जात होता है, धर्म होता है, मुस्लिम को एक, उसको क्यों नहीं बांटे, उसको एक धर्म में क्यों रखे, मुस्लिम को हिंदी को। कि नीतीश कुमार बनाम मोदी की लड़ाई हो जाएगी, नीतीश कुमार बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई हो जाएगी, देश में दो ही नेता रह जाएंगे, नीतीश कुमार बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई हो जाएगी, नीतीश कुमार वर्सेस नरेंद्र मोदी। राहुल जी कहाँ जाएंगे? आ गया। राहुल जी खुद मान चुके हैं कि नहीं, लड़ाई नीतीश कुमार के द्वारा लड़ी जाएगी। अच्छा, हाँ, तभी जा करके बीजेपी का सफाया हो पाएगा। राहुल गांधी कहीं नहीं रहेंगे, अभी नहीं रहेंगे, इस इलेक्शन में रहेंगे, इसके बाद आएंगे वो, इसके बाद नहीं आ जाएंगे। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे अभी 2024 में, नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। लेकिन नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहा जाता है, नीतीश कुमार पर कोई बिलीव नहीं करता, विश्वास नहीं करता है? नहीं करता है, लेकिन वक्त ऐसा है कि करना पड़ेगा, और उन्होंने करके दिखाया भी है, जातीय जनगणना वगैरह करके जब दिखाए हैं देश में, तो इससे लोगों की उम्मीद जगी है कि नहीं, नीतीश कुमार जो है एक अच्छे लीडर हैं और सबको लेकर के चलने वाले हैं, इसी वजह से नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई हो जाएगी। जातीय जनगणना एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, बहुत बड़ा देश में फैक्टर है, बहुत बड़ा, लोग पूरा देश पूरा राज्य मांग रहा है, हर एक राज्य मांग रहा है कि नहीं जातीय जनगणना होनी चाहिए, उससे पता चलता है कि किस जात की कितनी जनसंख्या, उसी हिसाब से उसको सम्मान दिया जाएगा, उचित। पूरा देश मांग रहा है, पूरा देश मांग कर रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। 1931 के बाद देश में जातीय जनगणना हुई नहीं, जो निचले तबके के लोगों को पता ही नहीं कि कितने परसेंटेज में है, कि है भी कि नहीं है, और दबे कुचले लोगों को कोई उम्मीदें नहीं जग रही है। जब जातीय जनगणना होगी तो उनकी गिनती के हिसाब से उनका हक मिलेगा। जातीय जनगणना को कैसे देखते हैं? जातीय जनगणना पर इनकी राय है और तमाम लोग कहते हैं कि जातीय जनगणना बेहतर है, ठीक है? ठीक है, अच्छी बात है, जातीय जनगणना तो होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए, इसके लिए तो भाई सारे पब्लिक लोग सही है। लेकिन जो बिहार में जातीय जनगणना हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। 500 करोड़ को इस तरह से, मतलब कि पानी की तरह जो बहाने का काम करती है, वो बहाने है। जो मेरे यहाँ खुद जातीय जनगणना तो करने के लिए बिहार सरकार करवाई है, लेकिन मेरे यहाँ हम अभी घर पे कॉल करके आपको बोल दें, बात करा दें, तो जातीय जनगणना के मेरे यहाँ कोई आया ही नहीं जातीय जनगणना करे, लेकिन हम जातीय जनगणना में मेरा आपका आया हुआ है, मेरे यहाँ तो कोई आया नहीं। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जातीय जनगणना को भाई मानते हैं, हम तो जातीय जनगणना को नहीं मानते, क्योंकि मेरा रियल जो है वो दिखाया नहीं है। हाँ, यादव लोग को भाई उनका बढ़ा दिया गया, तेजस्वी द्वारा आंकड़ा बढ़ा दिया गया, मुस्लिम लोग का भी आंकड़ा बता, हमको सबसे बात हो ठीक है आप जनगणना कराएं, अब हिंदू का और मुस्लिम का, यादव अब जो मुस्लिम का तो आप यादव लोग का तो आप जनगणना में बढ़ा दिए हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव मुस्लिम का कहना है कि अब तेजस्वी यादव, आप नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री, आपसे हम ये अनुरोध था कि आप हिंदू को तो बांट दिए, मुस्लिम का भी तो जात होता है, धर्म होता है, मुस्लिम को एक, उसको क्यों नहीं बांटे, उसको एक धर्म में क्यों रखे, मुस्लिम को हिंदी को, हिंदू को उसका भी बांटा है, उसका नहीं भैया, सिर्फ उनको 17.5% डाटा दिखा दिया है और हिंदू लोग में डाटा, हिंदू लोग में बांट दिया है कि 18% है, 2% है, 16% है, इसमें बांट दिया गया, आखिर क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए बिहार में, एक तरफा आपको सरकार की जो है, कांग्रेस समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं ये, और समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं ये लोग, और ये जो कांग्रेस विचारधारा, ये सब ना बिहार को डुबाने का काम कर रहे हैं। कभी पुल बनाते हैं 400 करोड़ का, एक दिन में ओपनिंग से पहले ही ढह जाती है। 500 करोड़ भी तो 100% में 100% है, जातीय जनगणना 500 करोड़ जो घोटाला हुई है, इसमें भी जांच कमेटी बैठनी चाहिए, और इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा धांधली हुई है भाई। 2024 में जाति मुद्दा रहेगा ही नहीं, कुछ नहीं रहेगा,
मोदी के राज में भैया जातीय कोई जाति कोई नहीं रखता। पहली बार 70 साल में पहली बार ऐसा देखा गया 2014 के बाद जो जाति से उठकर विकास के लिए वोट हुआ है, और अब की बार 2024 में भी 2014 के बाद से जाति के ऊपर हुआ विकास के लिए हुआ है, और अब की 2024 में उससे भी बढ़कर विकास के लिए वोट होगा, और बिहार में भी और झारखंड में भी। यानी मोदी राज में बेहतर काम बहुत बेहतर काम हुआ है, बहुत बेहतर काम हुआ है। हाँ, क्या क्या काम हुआ मोदी राज में बेहतर काम? रोड बन रहा है, बिजली आ गया आपका, ये क्या बोलते हैं यार, राम मंदिर बन गया। सबसे बड़ा तो काम है कि हमारा राम मंदिर बन गया जो 500 साल से अटका हुआ था।